हेलो 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 दोस्तों, यू आर वॉचिंग माई चैनल ट्रेन लवर्स ज्योति, एंड फिर से स्वागत करता हूँ तुम सबका और एक नया वीडियो पे। सो दोस्तों, फिलहाल अभी मैं हूँ मेरे छत पे, इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तुम सभी लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल पे अभी लॉकडाउन लग चुका है एंड इंडिया के अदर स्टेट्स पे भी लॉकडाउन लग चुका है। सो इस टाइम पे ट्रेन कंपाइलेशन, ट्रेन स्पॉटिंग, रेल फैनिंग करना, जर्नी करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर किसी का घर रेलवे स्टेशन के आसपास है या लोकेशन पे आसपास है उसके लिए आसान है, हम जिस जगह से बिलोंग करते थे उधर से इम्पॉसिबल है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि मैं कैसे रेल फैन बना, हाउ आई बिकम अ रेल फैन, मैं कैसे मतलब कब और कैसे मेरे अंदर रेल फैन मतलब ट्रेन्स को लेकर इतना जो प्यार है वो प्यार कैसे मेरे अंदर आया। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का, मेरे चैनल में जब 800 या 750-800 सब्सक्राइबर थे तब सोचा था इस वीडियो को बनाने की, लेकिन तब व्लॉग्स, कंपाइलेशंस, इन सब चीजों पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा था एंड साथ में तो कॉलेज तो है ही, मेडिकल कॉलेज है, रोज जाना पड़ता है, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। सो अभी लॉकडाउन है तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा फेस कैम वीडियो आती रहेगी। सो ज्यादा वक्त ना गवाए, हम हमारे इस वीडियो को भी चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 साल से। तो पहले बता देता हूँ, मेरा 2 घर है, एक है वेस्ट बंगाल की कलकत्ता पे और दूसरा है ओडिशा की राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है उसके बगल में ही, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस है राउरकेला से, जिसे बोला जाता है स्टील सिटी ऑफ ओडिशा। सो मेरा जब 4 साल का उम्र था, सो आप देखे होंगे जब मम्मी पापा खाना खिलाते हैं ना बच्चे को, सो अगर बच्चे रोता है, खाना नहीं खाता है, तो उनके मम्मी पापा, मैं देखा हूँ, कुछ टॉयज दिखा के, टीवी पे कार्टून दिखा के या उन्हें लोरी सुना के खाना मतलब खाना देती है, मतलब खिलाती है। सो ये सब करके मेरे मम्मी पापा ने देख लिया था, मैं उसे भी बाज नहीं आ रहा था। सो एक दिन मेरे पापा ने किया बाइक पे, खाना बाद में खिलाना ठीक है, जो भी खाया ठीक है, बाइक पे बिठा के मुझे राउरकेला स्टेशन पास में ही था उधर ले गए थे, ठीक है, एकदम सच बता रहा हूँ, राउरकेला स्टेशन उधर ले गए थे। तब तो मुझे मतलब छोटा था, 4 साल उम्र था, आप समझ रहे हो, तब मुझे कौन सा WAP-4 है, कौन सा WAG-9 है, कौन सा WAP-7 है या कौन सा डीजल है, एल्को, EMD कुछ भी नहीं पता था। सो मेरे डैडी को भी उतना नॉलेज नहीं है ट्रेन, मतलब वो ट्रेवल तो करते हैं लेकिन कौन सा क्लास का लोकोमोटिव है वो नहीं जानते। स्टेशन पे आने के बाद जब भी कोई ट्रेन आती थी तब मेरे पापा मुझे दिखाते थे एंड ऑटोमेटिकली मैजिक के जैसा मुझे भी नहीं लगा कि मैं उनको देख के चुप भी हो जाता था एंड हंसने लगता था एंड मतलब वो जो एक फीलिंग से ट्रेन को देखकर, तब ये मतलब एक 4 साल का बच्चे के सामने कट बोला जाए कि वो एक ट्रेन है देखो, तो उसके मन के अंदर क्या मतलब आएगा, मतलब ट्रेन ऐसा आएगा कि ट्रेन एक बहुत बड़ा क्रिएचर है जो मूवमेंट करता है। और वो देखने के बाद हर कोई मतलब बहुत सारा बच्चे को मैं देखा हूं कि मतलब हंसने लगते हैं, मतलब वो अगर रोते हैं तो चुप हो जाते हैं, तो ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था। एंड मैं और एक काम करता था, जब कोई फ्री ट्रेन मतलब गुड्स मालगाड़ी गुजरती थी स्टेशन से, तब मैं उसका जो वैगन्स होता है तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके काउंट करता था एंड लिटरली मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसे काउंट करने में मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि आपको बता नहीं पाऊंगा, बहुत खुशी महसूस मैं करता था एंड बहुत ही खुश हो जाता था उस मोमेंट के लिए। तो ऐसे हफ्ते में 3 से 4 दिन डैडी मुझे लेके जाते थे स्टेशन पे एंड मैं खुश रहता था। तो ऐसे उस दिन से, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं पता, उस दिन से दिल के अंदर ट्रेन्स को लेके, चाहे वो जैसी हो, ट्रेन्स को लेके एक प्यार मेरे अंदर पैदा हुआ। सो दिन बीता, समय बीता, 5 या 6 साल बीत गए, जब 10 या 11 साल उम्र था तब मैं कोलकाता पे आ गया, कोलकाता पे स्कूल्स पे मेरा पढ़ाई लिखाई चालू हो गया, ठीक है, पढ़ाई लिखाई चालू हो गया। उसके बाद कोलकाता आने के बाद 5 या 6 साल मैं रेल फैनिंग के साथ मतलब कनेक्टेड नहीं था, मतलब पढ़ाई लिखाई ऐसे, मतलब बच्चा तभी बच्चा ही था, 5 या 6 में मेरा एडमिशन हुआ था इधर के स्कूल्स पे, सो तभी बच्चा ही था, लेकिन जब भी फैमिली के साथ मतलब ट्रेवल्स करता था या मेरे सामने से ट्रेन गुजरती थी तब मुझे बहुत ही बढ़िया लगता था, मजा आता था, एंजॉय करता था मैं। तो फैमिली के साथ जब भी ट्रेवल्स करती थी, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ
ड्यूरिंग ट्रेवलिंग कि वो लोग अगर थोड़ा डरा ज्यादा लंबी जर्नी है तो वो लोग बोर फील करते हैं, तो मेरे अंदर वो बोरिंगनेस फील नहीं करती थी क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद है, मैं वो काम करके एंजॉय करती हूँ, मजा लेती हूँ, तो मैं क्यों बोर फील करूंगा। कोई भी अगर ट्रेन जर्नी की बात छोड़ दो, आप जिस भी काम करके अगर आपको मजा मिलता है तो आप उस काम को करने में बोर फील नहीं करोगे। सो ये मतलब स्ट्रेटजी है। उसके बाद 2018 के लास्ट में आके मेरे मतलब HS क्लियर हुआ। उसके बाद 2019 पे लास्ट में आके एंड्रॉयड मोबाइल मिला। सो तब मैंने सोचा कि ट्रेन्स का फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करके या छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के इंस्टाग्राम का एक पेज ओपन किया जाए। सो जैसे जैसे बात तैसे ही काम। सो ट्रेन लवर्स ज्योति के नाम से एक पेज ओपन किया। पहले इसका यूजर नेम था ट्रेन लवर्स 123। सो अभी यूट्यूब के वजह से ट्रेन लवर्स ज्योति ये नाम कर दिया हूँ। सो पहले सपोर्ट नहीं मिलता था, अभी बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत आप सभी लोग बहुत प्यार करते हो। वो जहाँ पर मैं ट्रेन से रिलेटेड फोटोज वीडियोस सब कुछ ऊपर डालता हूँ एडिट करके, एंड ऐसे करके मेरा मतलब इंस्टाग्राम पे ग्रो हो रहा था। फिर थोड़े दिन बाद मतलब 2-3 महीना बाद मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे तो डाल रहा हूँ, इसको चलो यूट्यूब पे मतलब एक कंटेंट के खातिर पेश करते, क्योंकि अगर ये फोटो एक कंटेंट हो सकता है तो लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं। सो मैं तब स्टेशन ब्लॉग्स, इसके बाद वीडियो जर्नी वीडियोस, तो अभी तो बच्चा मतलब 2 साल पहले बच्चा था, तो मम्मी पापा जर्नी के लिए अलाउ नहीं करता था, अभी थोड़ा कर रहा हूँ। सो ये सब वीडियो मेरे दिमाग में आया, ये कंटेंट हो सकता है। फिर यूट्यूब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मेरे भी इंटरेस्ट है, मैं भी इसी फील्ड में उतरता हूँ। सो मैंने उतरा, पूरे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। सो अभी चैनल पे 1.6 ऐसा मतलब 1600 के करीब सब्सक्राइबर्स है। थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब कर रखे हो एंड सपोर्ट करते हो। सो ये थी मेरा कुछ मतलब ऐसा स्टोरी कि कैसे मेरे अंदर रेल फैनिंग मतलब रेल फैन में कैसे बना वो फीलिंग्स, वो प्यार ट्रेन को लेकर अबाउट ट्रेन कैसे मेरे अंदर आया। ये थी कुछ टोटल स्टोरी। तो मेरे प्यारे रेल फैंस, जो रेल फैंस इस वीडियो को अभी देख रहे हो, सो उनसे बोलना चाहता हूँ, आई होप आपका भी ऐसी कुछ स्टोरी मतलब है कि कैसे आपके अंदर ट्रेन्स को लेकर ये प्यार मतलब ग्रो हुआ, ये प्यार कब और कैसे आया। सो उसको आप अगर देख रहे हो तो एक अगर आपका स्टोरी आपको भी आपकी भी कोई स्टोरी है, आई होप है, नहीं तो नहीं होगा। सो वो स्टोरी अगर लंबी हुई तो एडिट करके उसे शॉर्ट करके इस मतलब वीडियो की कमेंट पे कमेंट कर देना। जिसकी कमेंट सबसे अच्छा लगेगी मेरे को तो उसके कमेंट को मैं पिंग कर दूंगा, ठीक है, पिंग कर दूंगा एंड सबका कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई भी दूंगा। सो सबको रिप्लाई देता हूँ, फिर भी आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है इसलिए। सो रेल फैंस, आपकी भी अगर कोई ऐसी स्टोरी रही तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही था। अब रेल फैंस एंड नॉन रेल फैंस दोनों को बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी के साथ आपकी स्टोरी जरा सा भी मिल खाती है, आपको लगता है कि थोड़ी सी भी रिलेट कर रही है, सो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी उस एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड कमेंट करके बताना आपकी स्टोरी, मैं वो जानना एंड पढ़ना पसंद करूंगा। एंड हमारी मुलाकात अगर यूट्यूब पे पहली बार हो रही है तो हमारी चैनल ट्रेन लवर्स ज्योति को सब्सक्राइब कर दो एंड बाजू में जो घंटा है घंटे को भी दबा दो, क्योंकि मैं रेलवे से रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ एंड आगे भी लाता रहूंगा। एंड मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन को जस्ट खुलने दीजिए, मेरे एक लिस्ट रेडी है, उस लिस्ट में 25 से 30 जर्नी पेंडिंग है। सो मैं आपको डिजिटली जर्नीज का मजा मतलब देता रहूंगा, आपको लगेगा कि आप मेरे साथ जर्नी कर रहे हो। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी आईडी आप नीचे देख सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आती है सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर से मिलूंगा किसी और एक दिन किसी और एक नई टॉपिक के साथ किसी और एक नई वीडियो पे। तो तब तक के लिए अलविदा, गॉड ब्लेस, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।